देसी फैक्ट्स ला रहा है क्रेजी टीन स्ट्रेंड्स, जवान युवा पीढ़ी का अजीब शौक। पहला है द सिनेमन चैलेंज। ये दुनिया भर में बहुत ही प्रसिद्ध चुनौती थी जो कि बहुत सारे युवाओं ने अपनाया था। इस चुनौती में एक चम्मच दालचीनी के पाउडर को 60 सेकंड में निगलना होता है, वो भी बिना पानी के। दालचीनी के पाउडर को पूरा निगलना मतलब आपके गले में और शरीर के अंदर बहुत सारी बीमारी होगी। करीब 2016 में 4 साल के बच्चे ने ये चुनौती किया था। जैसे ही उसने दालचीनी के पाउडर को पूरा निगल लिया, उसके कुछ समय बाद ही वो इस दुनिया में नहीं रहा। दूसरा है डाइंग योर आईबॉल। नव युवा पीढ़ी में ये बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध रहा है। इसमें अपने आंखों की पुतलियों में टैटू बनाना एक नया ही फैशन चल चुका है। वो बहुत ही खतरनाक है क्योंकि वह आपके आंखों में टैटू बना के आपके आंखों को कलर किया जाता है। इसकी पूरी प्रक्रिया जैसे हम अपने शरीर पे टैटू बनाते हैं, वैसे ही आपके आंखों में भी टैटू बनेगा। वह टैटू आपके आंखों के पुतलियों के एक लेयर ऊपर होगा, पर उससे पहले आपको बहुत सारे इंजेक्शन लेने पड़ेंगे। अगर इस प्रक्रिया में जरा सी भी चूक हुई तो आंखों की रोशनी जा सकती है। अगला है द चोकिंग गेम। 80 और 90 के दशक में आप सभी को ये पता होगा कि एक खेल चला था जिसमें आपको अपनी ताकत दिखा के सामने वाले की सांस रोकना है। ये खेल बहुत ही खतरनाक था, जिसकी वजह से इस खेल में सांस रोकने की वजह से बहुत ज्यादा सर दर्द होता है और की वजह से वह अपनी जान भी गंवा सकता है। 90 के दशक में ये गेम बहुत ही बोरिंग हो गई थी और खतरनाक भी, जिसकी वजह से बाद में वह खेल भूल गए थे। पर अभी के दौर में सोशल मीडिया की वजह से ये गेम वापस आ गया है और बहुत सारे इंसानों को मरीज बनाता जा रहा है। अगला है वोडका आई बॉलिंग। ये बहुत ही खतरनाक चुनौती था जो कि युवा पीढ़ी में चल रही थी। सभी को नशा करने की आदत हो गई थी, पर उनके मुख से नशीली बात ना आए, इसके वजह से उन्होंने ये नई तरकीब निकाली थी। अपने आंखों पे वोडका की बोतल रख के अपने आंखों के जरिए नशा करना। इस प्रक्रिया में आपके आंखों के पुतलियों में नर्व्स में होकर आपके शरीर के नर्व्स में मिल जाती है, जिसकी वजह से उन्हें नशा हो जाता था। ये बहुत ही खतरनाक चुनौती था, जिसकी वजह से आंखों की रोशनी जा सकती है। अगला है कॉन्डम स्नॉटिंग। आप सभी को ये पता होगा कि हमारे नाक से शुरू होकर एक नर्व्स हमारे मुंह तक खत्म होती है, जिसकी वजह से हम किसी चीज का भी सेवन अपने नाक से कर सकते हैं। 2013 में ये पूरे विश्व में ट्रेंड चल गया था कि निरोध आपके नाक से होकर आपके मुंह से निकालना था। ये बहुत ही बेकार ट्रेंड चला था, जिसकी वजह से बाद में बहुत सारी एलर्जी के शिकार हो जाते थे और बहुत सारे मनुष्य बीमार पड़ जाते थे। अगला है द डक्ट टिप चैलेंज। ये बहुत ही वाहियात चुनौती थी जो कि यूट्यूब और सोशल मीडिया पे बहुत ही प्रसिद्ध हो गई थी। इस चुनौती में इंसान को एक कुर्सी पे बिठाकर टेप से बांध दिया जाता था और उसे उस टेप से निकलने की चुनौती थी। ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक खेल था। वॉशिंगटन में एक लड़के ने ये चुनौती की, जिसके दौरान वह नीचे गिरा और उसका सर एक दीवार पे टकरा गई, जिसकी वजह से उसे बहुत ही हानिकारक चोट लगी। वह बहुत दिनों तक हॉस्पिटल में रहा, जिसके बाद वह ठीक हुआ। अगला है प्लैंकिंग। इस चुनौती में आपको उल्टा होकर सोना होता था, पर जरूरी ये था कि आप ये चुनौती कहाँ पे कर रहे हैं। ये बहुत ही आसान चुनौती था, पर इस चुनौती को और खतरनाक बना दिया गया था क्योंकि आप ये चुनौती कहाँ पे करते थे वो बहुत ही जरूरी था। शुरुआत में युवा पीढ़ी मॉल में या फिर रेस्टोरेंट में या घर में ये चुनौती करते थे, पर जब ये चुनौती बहुत ही बोर होने लगा तब इसे बहुत ही अलग अलग जगहों पे किए जाते थे जो कि बहुत ही खतरनाक होते थे, जैसे कि चलती कार में या फिर किसी के छत के ऊपर। इस चुनौती में करीब 20 लोग घायल हो चुके थे और एक जन की मौत हो चुकी थी। अगला है सॉल्ट एंड आइस चैलेंज। ये एक बहुत ही अलग चुनौती थी। इस चुनौती में आपको नमक और बर्फ दोनों का उपयोग करना था। ये बहुत ही खतरनाक भी था क्योंकि इस चुनौती में मनुष्य को अपने शरीर के किसी भी हिस्से पे नमक रखकर उस पे बर्फ रखना था, जिसके वजह से उतने जगह पर जलन पैदा होती थी। चुनौती ये थी कि उस जलन को आप कितने देर तक सह सकते थे।